राहुल वैद्य घर से बेघर होते ही उन्होंने लिखा है ये एक ब्यूटीफुल सा मैसेज अपने फैंस को शुक्रिया अदा करते हुए। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का जवान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि राहुल वैद्य जो है उनका जो गेम है, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी गेम खेलने की, उसको बहुत ही नवाजा और सराहाया गया सभी फैंस के द्वारा। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी उनके गेम के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें कही थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि हाल ही के वीकेंड के बाद में राहुल वैद्य जो है वो घर से बेघर हो गए, और बेघर होते ही राहुल वैद्य ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए ये लंबा सा मैसेज लिखा है। उन्होंने लिखा है फैंस के लिए कि आपका ये जो फैंडम है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, सराहाया है, वो बहुत ही अच्छा है और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, क्योंकि आप ही के बदौलत मैं घर में सर्वाइव कर पाया और रह पाया। अब मैं आपको ये बता दूं कि राहुल वैद्य ने बहुत से फैंस ने जो उनके लिए हैशटैग्स ट्रेंड किए थे, फैंस ने उनके लिए जो कोलाजेस बनाए थे, उनके लिए जो सपोर्ट दिखाया था, वो सभी शेयर किया है राहुल वैद्य ने। और उन्होंने ये भी लिखा है नीचे कि आपका राहुल वैद्य जी। दोस्तों तो हालांकि राहुल तो अब हमारे ही है, पर क्या राहुल वापसी करेंगे बिग बॉस सीजन 14 में? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं फैंस को ये आशा है कि शायद कुछ न कुछ हो जाएगा और राहुल वापसी करेंगे बिग बॉस सीजन 14 के घर। हालांकि ये तो अब जानना बाकी है, पर मैं आपको ये बता दूं कि राहुल वैद्य का जो गेम है वो हमेशा हमेशा याद रहेगा, ना सिर्फ फैंस को पर हम सभी को। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा।